हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। हमने इस अध्याय में देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होके भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनके ऊपर कृपा करते हुए मंद मंद मुस्काए, उनसे हाथ मिलाया, उनको आशीर्वाद दिया। और अभी भगवान स्वयं अपने विषय में ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने गीता में स्वयं के स्वरूप के बारे में, शक्तियों के बारे में, सब वस्तुओं के बारे में बताया है, उसी प्रकार यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 24। सृजामि तपसैवेदं रसामि तपसा पुनः बिभ्रमि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। हरे कृष्णा। तप की महिमा बताते हुए भगवान आगे बोल रहे हैं कि यही तप के माध्यम से भगवान स्वयं भी अपने शक्तियों का अनुसरण तप के माध्यम से करते हैं और विश्व की रचना तप से होती है। तो तप की महिमा पिछले श्लोकों में भी बताई है और यहाँ पर भी बताई जा रही है। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधा या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। हम भौतिक संसार में भी देखते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास लगता है, तो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं प्रयास आएगा? क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है जीवात्मा के लिए। लेकिन वो तपस्या क्या है? वो तपस्या है भगवान की, आध्यात्मिक गुरु की आदेश को पालन करना। कई बार वो आदेश पालन करने में कठिनाई होती है, कई बार मन इंद्रियां हमको छल करती हैं, नहीं भक्ति करने देती हैं, लेकिन उन उन अड़चनों को पार करके जब भक्त दृढ़ रहता है तो उसको तपस्या बोला गया है। ब्रह्मोवाच भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो व्यस्थितो गुणा गुहम वेद ही अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा में, हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे ही भगवान ने बोला, अरे तपस्या तो इतनी महान है कि हम तो तपस्या के माध्यम से ही सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं, आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आप परम नियंता के रूप में स्थित हैं। नियंता, आप नियंत्रण कर रहे हैं। तपस्या इत्यादि आपसे आते हैं, आप थोड़ी अब तपस्या के ऊपर निर्भर हैं। भगवान तपस्या को गुणगान किए क्योंकि तपस्या का महत्व बताना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी
उस तथ्य को यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप वास्तव में सबके हृदय में बैठने वाले परम नियंता है। अनिकेत प्रभु तात्पर्य करिए। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को, प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन, आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं कर देते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है, तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करें। यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को माना, ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व तो सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तदात्मय का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है। और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं और तदनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो वास्तविक भगवान के साथ मिलने का मतलब क्या है? बहुत अच्छी डेफिनेशन प्रभुपाद दे रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त का कार्य होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी क्रियाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुरूप मोड़ देते हैं, वास्तव में यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और ब्रह्मा जी यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भौतिक संसार की सृष्टि हो रही है और अभी जो जो जीवात्माएं भगवान से अपनी इच्छाओं को मिला लेंगी, वह सब जीवात्माएं सुखी रहने वाली हैं। और जो जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध चलेंगी, ब्रह्मा जी स्वयं ही देखेंगे कि किस प्रकार वो अलग-अलग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथि तत् परावरे यथारूपे जानीयम् ते तु अरूपिणः। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हो, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी एक बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान तो दिव्य हैं, शाश्वत हैं, फिर भौतिक संसार में उनका रूप किस प्रकार होता है? यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भौतिक संसार में आपके रूप का क्या वर्णन है, मैं वो समझना चाहता हूँ। यथात्मा माया योगे नान शक्ति उपाबृहितम विप्लुप विलुप विलुपम विसृजन गृणन बिभ्रद आत्मनम आत्मना। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत प्रणाम। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा सहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विद्या विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं।
तो उन्हीं भौतिक सृष्टि में आप किस प्रकार उसका सृजन, उसका पालन, उसका संहार इत्यादि करते हैं, वह भी मैं जानना चाहता हूँ। तात्पर्य, रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियां, तरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य लोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्ण। तो भगवान की विविध शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? यद्यपि भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन भगवान उनसे अछूते किस प्रकार रहते हैं, यह सब हम आगे देखने वाले हैं। त्रीडसी अमोघ संकल्पा पूर्णानाभीर्यो यथोर्ध्वनिते तथा तद विषयान् देहि मनीषामयी माधवा। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माधव, मुझे इन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपको याद होगा कि ये मकड़ी का उदाहरण नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के लिए दिया था कि हे पिताजी, आप वो मकड़ी के समान हैं जो सृष्टि करते हैं और समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल बिछाती है और फिर समेट लेती है। तो ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, नहीं, वो मकड़ी कौन है? आप हैं। वो मकड़ी का जो उदाहरण है भगवान के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं और फिर समेट लेते हैं। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवान श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उनकी उसके नि, उनकी निजी शक्तियां होती है, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिसके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतिरूप है, अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं का एक ही परम स्तोत्र है। इसका सही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाला है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है और उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकट्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते? भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। पर भगवान वास्तविकता में, जैसे मकड़ी अपने जाले में कभी खुद नहीं फंसती, बाकी जानवर फंसते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपनी सृष्टि करते हैं, वो स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार भगवान का दिव्य अस्तित्व, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला इत्यादि हम परंपरा के माध्यम से जान पाते हैं। भगवगिच्छाचितमहं करवाणि हि अतान्द्रिता नेहमाना प्रजा सर्गं बद्धेयं यदनुग्रहात्। पायल माताजी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृपा करके मुझे बताइए, जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से अबुद्ध हुए बिना जीवात्मा को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनो। हरे कृष्ण। तो जो ये कार्य है भौतिक संसार का,
जो ये कार्य है भौतिक सृष्टि का, ये बड़ा ही जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि ये इतनी माया शक्ति से भरा हुआ सृष्टि है और मैं इसमें कार्य करना शुरू करने वाला हूँ, मैं खुद तो नहीं फंस जाऊंगा, मैं खुद तो नहीं बद्ध हो जाऊंगा। इसलिए भगवान को बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार मुझे ज्ञान दीजिए, इस प्रकार शिक्षा दीजिए कि मैं इस भौतिक सृष्टि के कार्य करते करते उसमें बंधू ना, उसमें बद्ध ना हो। तो ये प्रार्थना हर भक्त को करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आपने मुझे इस स्थिति में रखा है, कृपया करके ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस स्थिति में बंधू ना, मैं आपके आश्रित रहूं, कभी भी भौतिक बंधनों में फंस के आपको भूलूं ना। तो ये प्रार्थना हर भक्त को करनी चाहिए, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी कर रहे हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपनी निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतन बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त कारण मात्र होता है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है, और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना वह बंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अवध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवद गीता 10वें अध्याय 10वें श्लोक और 11वें श्लोक में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि श्री भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत है, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्तों को अपने निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी पथ के कल्पना पर आधारित पथभ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्ण। कई लोग बोल सकते हैं कि अरे हम क्यों आश्रय लें, हम तो अपना काम खुद कर सकते हैं, हम तो अपना जीवन खुद संभाल सकते हैं, क्यों भगवान के ऊपर आश्रित रहें। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, देखो वो जीवात्मा का स्वभाव है भगवान के ऊपर आश्रित रहें। अगर वो भगवान के ऊपर आश्रित रहेगा तो हमेशा सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। लेकिन अगर वो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा, स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा, तो भव बंधन में और फंसता चला जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं, इतने शक्तिशाली हैं, वो स्वयं भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं आपको भूलू ना, आपके आश्रय में रहूं, माया में मैं फंसू ना, इस प्रकार प्रार्थना की जा रही। यावत् सखा सुखयोरिवेशस्य ते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भव जनम अविकल्पस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नांध मंदो जमानिना। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हरे कृष्ण। देखो, जिनके भगवान की कृपा नहीं मिली है वो दंभी होते हैं, वो गर्व में चूर होते हैं। और जो वास्तव में भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, वो क्या बोल रहे हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे स्पर्श किया, सब कुछ किया, तो मुझे माया नहीं छू पाएगी, लेकिन फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं गर्व में ना पड़ जाऊं, मैं घमंडी ना हो जाऊं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुंदर प्रार्थना है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति किस प्रकार सोचता है,
उस तरह हमको देखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सांख्य भाव में स्थित हैं। प्रत्येक जीव भगवान के साथ है। पांच विभिन्न दिव्य भावों भावों में से किसी ना किसी एक के द्वारा नित्य रूप से समृद्ध है। ये है शांत। प्रभु जी ऊपर करिए थोड़ा, प्रभु जी ऊपर करिए थोड़ा। दास संख्य वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन पांचों भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सांग भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त प्रभु जी ऊपर थोड़ा, प्रभु जी थोड़ा ऊपर लगे। दास सांख्य वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन पांचों भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सांख भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान के भगवान से इन पांचों में से किसी एक भाव में बनता है। यह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का शांक भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर है ना परम शक्ति संपन्न संभव है कि इसे ब्राह्मण में या कोई या में या इससे के बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल आए। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त प्रभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीव आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान के होने की झूठी सदाकार की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया है। माया का आखिरी पास होता है, पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ है। यहाँ पर भगवान के कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर होता है। ये अंतर हमेशा समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपने मुझे सखा के जैसे हाथ मिलाया। देखो हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के सखा बन जाएं, लेकिन उनके अंदर सामर्थ्य है कि वो जीव का सखा बन जाएं। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति की सखा बन सकता है, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को उस प्रकार से नहीं जा सकता। तो यहाँ पर यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ उस प्रकार साख्य रस में आदान प्रदान किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को भूले नहीं कि नहीं नहीं मैं तो तुच्छ जीव हूँ, भगवान के समान नहीं हूँ। तो उसी प्रकार से जो लोग यह दावा करते हैं कि हम ये मंत्र का जाप करेंगे 6 महीने के अंदर हम भगवान बन जाएंगे, या फिर हम ये पथ के ऊपर अनुसरण कर रहे हैं हम बाद में मुक्त आत्मा बन के भगवान में विलीन हो जाएंगे, उनके दंभ की पराकाष्ठा देखो और यहाँ पर ब्रह्मा जी की विनम्रता देखो, दोनों में कितना अंतर है। तो जितना ही कोई महान व्यक्ति हो भगवान के बराबर नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी रामायण से हनुमान जी को उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान जी ने सेतु बनाया, सभी बानरों ने मिलकर सेतु बनाया, भगवान राम उसके ऊपर चल के गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम छोटे हो गए, भगवान राम की शक्ति से
सभी वानरों ने इस प्रकार पुल का निर्माण किया। उसी प्रकार जीवात्मा कितना ही कार्य भौतिक संसार में करे, वो महान हो सकता है, लेकिन भगवान की शक्ति भगवान के आशीर्वाद के माध्यम से ही होता है। सुमन माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और श्री भगवान से तदाकार होना माया के यही नाना प्रकार के जाल हैं। चूंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत आत्मा होते हैं, अतः वे माया के मोह पास से परे हैं। किंतु ब्रह्मा शुद्ध भक्त है, यद्यपि वे भौतिक जगत में प्रथम प्रमुख देवता हैं और इसलिए वे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी वे कम बुद्धि वाले अभक्त की तरह कभी भी श्री भगवान के साथ एक होने के विषय में सोचने की दृष्टता नहीं करते। अल्प ज्ञानी लोग जब ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, उन्हें ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वस्तुतः ब्रह्मा जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि के प्रारंभ से यह अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा विभिन्न श्रेणी के जीवात्माओं के सृष्टि मन माने ढंग से नहीं करते, क्योंकि उन्हें जीव को विविध प्रकार से शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे जीव तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने आप को सर्वसमर्थ परमेश्वर न मान बैठे। भक्तजन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट कार्यों के संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्वाह करते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ श्री भगवान के आदेश से संचलित होता है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि श्री भगवान को जाता है। किंतु जो कम बुद्धि वाले हैं, वे सफलता का कारण बनने अपने आप को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। हरे कृष्ण प्रभु। उस प्रकार भक्तजन हमेशा ही भगवान के लिए कृतज्ञ रहते हैं, भगवान के ऊपर समर्पित रहते हैं, और जो अभक्त है वो अपने बल पर अपने दंभ पर अभिमान करता रहता है और भगवान की कृपा से वंचित रहता है। तो इस प्रकार सुंदर रूप से ब्रह्मा जी और भगवान का आदान प्रदान हो रहा है और उसी श्रृंखला में आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्ण।